चार साल से जहाँ पर गाड़ियों का सफ़र करता है, हमारी गाड़ी का नुकसान होता है, दिन को 4,000 रुपया 3,000 रुपया हमारे पट्टे टूट जाते हैं, हमारे टायर भी नुकसान हो जाते हैं, हमारी गाड़ियों को बहुत नुकसान हुआ इन चार सालों में। गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचता है, ये रास्ता है ये कहाँ पर जाता है, लगता है मुझे ये कुपवाड़ा से आगे भी रास्ता है, ये सारी श्रीनगर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन लगता है मुझे ये कुपवाड़ा से भी आगे ये रूट है। हमारे गाड़ियों का रोज कम से कम 400-500 रुपए का नुकसान होता है। ट्रेडर्स एसोसिएशन नौगांव का प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 2 साल से हमारा ये नेटीपोरा नौगांव रोड खस्ता हाल हो चुका है, बार बार की यकीन दहानी के बाद भी इसको ठीक नहीं किया गया। आरएनबी ने कुछ काम किया है, लेकिन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और ड्रेनेज वालों ने काम अधूरा छोड़ा है। दोनों डिपार्टमेंट कह रहे हैं जब मैडमाइज रोड होगा तब हम दोबारा काटेंगे, फिर इसको पाइप लगाएंगे। मेरी समझ में यह आ रहा है कि शायद ये इन डिपार्टमेंटों में आपस में तालमेल नहीं है, या ये नाकाबिल इंजीनियर है और आवाम का सरमाया जाया किया जा रहा है। हमारी मांग यह है कि इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। हम आज प्रोटेस्ट पर हैं दिन भर, जब तक आला हुकुम जो इसके साथ वापस है वो नहीं आएंगे तब तक हम हड़ताल नहीं छोड़ेंगे, और जब वो आएंगे तो हम उनको 7 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अगर 7 दिन के अंदर भी वो काम नहीं करेंगे तो फिर गैर महीना अरसे के लिए ये रोड बंद रहेगा नटीपोरा नागा।